जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वाले की याद आती है। दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। होती है पूजा ये प्रीतम का घर है, एक मंदिर है। जो मीठी हो गए दर्शन, मौत मिटा दे चाहे हस्ती, याद तो अमर है। मौत मिटा दे चाहे हस्ती, याद तो अमर है। दिल एक मंदिर है, होती है पूजा ये प्रीतम का घर।
विधाता तू ही जगदाता विश्व। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नाथ वासुदेवाय। ये मंत्र था श्री धर्मपाल शर्मा जी जब उन्होंने वृंदावन के ब्रह्मचारी ललिता शरण जी से महाराज जी से दीक्षित हुए नाम लिया तो वही मंत्र जाप वो हमेशा करते थे और कई बार वृंदावन अपने गुरु जी से मिलने जाते थे। श्री धर्मपाल शर्मा जी का स्वभाव ही ऐसा था कि वहां पे भी उनके गुरु और बाकी सभी पंडित उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते थे। उनका चेहरा देखते ही खिलखिला जाते थे, हमेशा मुस्कुराने वाले, दूसरों को हंसाने वाले, हर गंभीर से गंभीर बात को हंसी से कवर कर जाने वाले श्री धर्मपाल शर्मा जी सभी के दिल में अपनी गहरी छाप छोड़ जाते थे। वृंदावन में भी उनको ड्राइवर जी कहके सभी आगे पीछे रहते थे। गया हुआ वक्त नहीं आ सकता, गया हुआ इंसान नहीं आ सकता जब 7 मार्च को सुबह हम सब से बिछड़ गए हमारे प्यारे चाचा जी धर्मपाल जी। तो बस यही कह सकते हैं कि ना हाथ ही थाम सके ना पकड़ सके दामन, ना हाथ ही थाम सके ना पकड़ सके दामन, बड़े करीब से उठकर चला गया कोई। उनकी आत्मिक शांति के लिए एक और भजन सुनते हैं। रचा है सृष्टि ने, सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला Thank you.
1973 में पंजाब के छोटे से गिल गांव में एक पंडित परिवार के घर पैदा हुए। अपने सभी भाई बहनों की तरह बहुत ही परिश्रमी थे। बड़ी छोटी उम्र में 10वीं पास करते ही वो हमें बताया करते थे, जो काम मिल जाता था वही वो कर लेते थे। आजीविका जब कमानी शुरू कर दी 1954 में, उन्हें भारतीय रेलवे में सरकारी जॉब भी मिल गई। एक साधारण कर्मचारी से मेहनत करते करते कर्तव्य परायण, निष्ठावान, कर्मयोगी श्री धर्मपाल शर्मा जी पदोन्नत होते होते वो एक बहुत ही उच्च कोटि के ड्राइवर बन गए। अपनी ड्यूटीज को हमेशा बहुत जिम्मेदारी से अच्छे से निभाने के कारण बहुत बार उनको भारतीय रेल की तरफ से पुरस्कृत भी किया गया, सम्मानित किया गया। और अपने रेलवे यूनियन में भी वो सभी के दिलों पर राज करने वाले थे। जो भी मिलता वही उनका फैन हो जाता। 1989 में जब वो रिटायर हुए, उसके बाद भी रेलवे से लगाव उनका छूटा नहीं। रेलवे यूनियन के सदस्य रहे, अपने 90 साल की उम्र तक भी वो सभी कार्य करते रहे, समाज सेवा के कार्य किए, बहुत लोगों की पेंशन लगवाई और जो भी ज़रूरत थी वो काम करते रहे। कितनी सारी सभाओं के वो सदस्य रहे, जिसके लिए हर प्रकार से वो योगदान देते रहे और सबका मार्गदर्शन करते रहे जीवन में। और सभी के लिए भी, सभी सभाओं के लिए भी वो अपने आखिरी दम तक कार्यरत रहे। इतने सक्रिय, इतने एक्टिव वो हमेशा अपने पूरे जीवन भर रहे। झोंके नसीबे खुर्द के होने लगे निसार, जन्नत को इस गुलाब का तकब से इंतजार। ईश्वर भी शायद ऐसे व्यक्तियों को अपने पास बुलाना चाहता है। उनके परिवार को जो हानि हुई है उनके जाने से, वो तो कभी पूरी नहीं हो सकती। हम उनको हमेशा याद करते रहेंगे और उनके संस्कारों को जीते हुए अपने दिलों में, अपने व्यवहार में उनको हमेशा जिंदा रखेंगे। तो आइए उनकी याद में अगला भी ना कोई संदेह, जाने वो कौन सादे, कहाँ तुम चले गए। कौन सा देश कहाँ चले।
कोई जिंदगी में प्यार तो कोई प्यार में जिंदगी ले जाता है। हमारी आदरणीय चाचा जी श्री धर्मपाल शर्मा जी पूरा जीवन सब पर प्यार बरसाते रहे और सबका प्यार बटोरते भी रहे। अपनी पूरी जिंदगी में आज तक मैंने कभी चाचा जी को किसी की बुराई करते नहीं सुना और कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो उनके बारे में हंसकर खुश होकर उनकी प्रशंसा ना करता। वो शख्सियत थी ही ऐसी प्रशंसा के काबिल। ऐसे शख्स थे वो जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि जिनसे मिलकर जिंदगी को इश्क हो जाए, जिनसे मिलकर जिंदगी को इश्क हो जाए वो कोई और नहीं मेरे चाचा धर्मपाल जी थे। ऐसी प्यारी आत्मा के लिए हम ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो अपने सबसे नजदीक उन्हें स्थान दे। तो उनके आत्मिक शांति के लिए प्रस्तुत है ये भजन।
कहना चाहूंगी, हमारी मर्जी होगी महक लिया करेंगे, हमारी जब मर्जी होगी महक लिया करेंगे, आपकी यादों का इत्र बनाकर रख लिया हमने। आदरणीय चाचा जी, उनके लिए हम यही कह सकते हैं कि वो आशीर्वाद अपना संपूर्ण परिवार पर बनाए रखें। चरणों में आपके सर नवाते रहेंगे, चरणों में आपके सर नवाते रहेंगे, संस्कारों को आपके निभाते रहेंगे। गुजारिश है हम पर कृपा बनाए रखना, हृदय से सुमन भेंट चढ़ाते रहेंगे, हृदय से सुमन भेंट चढ़ाते रहेंगे। आप सभी महानुभाव जो अपने जीवन के कीमती समय से कुछ पल निकाल के श्री धर्मपाल शर्मा जी के आत्मिक शांति के सभा में सम्मिलित हुए, उन सबका मैं शर्मा परिवार की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारे बीच फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से परिवार के लिए शोक पत्र पहुंचा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बीआरएस नगर ब्लॉक बी की फ्लावर डे पार्क सोसाइटी, जिस सोसाइटी के सदस्य भी श्री धर्मपाल शर्मा जी जीवन के अंत तक रहे, उस सोसाइटी की ओर से भी शोक पत्र आया है, उन सबका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और अब जो श्री धर्मपाल शर्मा जी के आत्मिक शांति के लिए शर्मा परिवार के सदस्य ने घर पे गरुड़ पुराण की कथा का आयोजन किया था, आज उसके समापन का भी दिन है, तो मैं आदरणीय पंडित जी से निवेदन करती हूँ कि गरुड़ पुराण की कथा को संपन्न किया जाए और उसके बाद रसम पकड़ी। सच्चिदानंद भगवान की जय। जो हमारे वर्ष भर में दो आयन होते हैं, देवयान और चंद्रयान, यानी दक्षिणायन और उत्तरायण। उत्तरायण समझ लो मकर संक्रांति से कर्क संक्रांति तक छह महीना सूर्य नारायण भगवान उत्तरायण होते हैं, उत्तरायण देवताओं का दिन होता है। और कर्क संक्रांति से लोहड़ी तक, मकर संक्रांति तक देवताओं की रात दक्षिणायन कहा गया है। तो भगवान ने स्वयं कहा है कि जो देवयान में उत्तरायण में जिनके प्राण निकलते हैं उनका फिर दोबारा जन्म नहीं होता, वो संसार में जन्म नहीं लेते। तो ऐसे शुभ समय में जाना सबको है, अपने 91 वर्ष की आयु में अपने बच्चों को परिवार को अच्छे संस्कार दे करके और आशीर्वाद देकर संसार से गए हैं,
तो ऐसे महापुरुष के लिए शोक की आवश्यकता नहीं होती। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आदरणीय उपस्थित सज्जनों, माताओं बहनों, हम सब बहुत अत्यंत दुखी हैं कि आज हमारे बीच में एक महान पुरुष, एक धर्मात्मा व्यक्ति, जो अपनी जीवन लीला संपूर्ण करके भगवान के चरणों में लीन हुए, श्री धर्मपाल शर्मा जी, जैसे पहले बताया बहन जी ने सारा कुछ बताया, उनके जीवन में पूरा जीवन धर्मपूर्वक देश समाज का सेवा करते हुए और बड़ी श्रद्धा के साथ जो आए सेवा की, समाज की सेवा की, परिवार की सेवा की, और अपने 91 वर्ष की आयु में संसार छोड़कर चले गए। उनके आत्मिक शांति के लिए परिवार द्वारा कुछ करना चाहिए, सारी क्रिया श्रद्धापूर्वक की, और उनकी आत्मिक शांति के लिए आज यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं। भगवान गीता में कहा है कि जैसे व्यक्ति पुराने घर को छोड़कर नए घर में प्रवेश करता है, या पुराने वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्रों को धारण करता है, ऐसी जीवात्मा जो है कर्मों के अनुसार अपने पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करता है। मनुष्य का सिर बड़ा दुर्लभ है, देव दुर्लभ, लेकिन मुक्ति का जो है ये जो है स्वर्ग की सीढ़ी है, मुक्ति का धाम है। इसलिए मनुष्य शरीर पाकर जो व्यक्ति अपने आत्मा का कल्याण नहीं करता, वो अंत में उसे पछताना पड़ता है। और श्री धर्मपाल शर्मा जी ने अपने जीवन में अनेक कार्य किए, समाज का सेवा, धार्मिक सेवा, मंदिरों की सेवा, तो ऐसे महापुरुष के लिए शोक की आवश्यकता नहीं है। ये जगत पिता पार्वती परमेश्वर दिवंगत आत्मा को, श्री धर्मपाल शर्मा जी की आत्मा को सदा अपने चरणों में रखना, आपके चरणों में बैठकर दिव्य आत्मा बच्चों को, परिवार को सुख आशीर्वाद देती रहे। हे प्रभु, दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करना और शोक संतप्त परिवार को ये दुख सहन करने की क्षमता शक्ति प्रदान करना, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। श्री लाल बहादुर शास्त्री पब्लिक हाई स्कूल की ओर से शोक पत्र परिवार के लिए आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स, इनकी ओर से भी परिवार के लिए शोक पत्र आया है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रोटरी क्लब मिडटाउन, प्रेसिडेंट मनोज गुप्ता जी और सेक्रेटरी विकास गुप्ता जी की ओर से भी शोक पत्र पहुँचा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के वार्ड नंबर 55 से अमृत वर्षा रामपाल जी की ओर से भी शोक संदेश पहुंचा है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सभी का हमारे इस शोक की घड़ी में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जय जगदीश हरे, सुन जय दीनानाथ हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, संपत्ति घर आए, सुख संपत्ति घर
मेरी
Oh,